माँ गुस्से में आ गई भाई। रुक जा, इसमें तेरी भलाई है। फोन फेंका रहे इंटू। अरे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे को बचा लिया। रुक जा, खबरदार, रुक जा, इसमें तेरी भलाई है। अरे अंधा है रे, देख के गाड़ी चला रे। कौन तो भी है बड़े भाई, कौन है आप जो मेरे को हर मुसीबत से बचा रहे? वो मैं तेरी हिफाजत करने वाला जिन हूँ। अरे तो बड़े भाई आप कहाँ थे भाई मेरी शादी के टाइम पे, जब मेरे को कभी नहीं बचाया वो मुसीबत से? जब मैं मेरी बीवी के कपड़े धो रहा था। बीवियों से हर कोई परेशान है यार। मुसीबत का नाम नहीं इसका। फोन आ गया। हेलो अजी, तुम्हारे फोन पे ओटीपी आया होगा, जरा देख के बोलो, जल्दी बोलो। अरे नहीं देता भाई, मेरे को मालूम तुम तुम्हारे भाई के वास्ते फ्लैट की टिकट बुक करा रहे हो। चलो रखो फोन रखो। अरे नहीं जी, नहीं जी, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो। अरे रखो जी फोन रखो, चुप परेशानी करते। अरे क्या हुआ रे रजा, कहीं को परेशान है ता? अरे भाई बहुत परेशान हूँ, क्या बोलूँ रे सिराज। देख, जब भी मेरी और मेरी बीवी की लड़ाई होती, उन्हें क्या करते, मिर्ज़ापुर से उसके भाइयों को फ्लाइट की टिकट से बुक कराती मेरे क्रेडिट कार्ड पे। उन लगा आते खाते पीते फुल मारते मेरे को, फिर उसके बाद मेरे पैसों से जो टिकट बुक करा के वापस भी चले जाते। अभी ये परेशानी का क्या सलूशन निकालना? और बाप बोल, कुछ तो भी बोल, तू बोल। अरे तू सोमे अच्छा है, काम करना बाप। बोल, सीधा सीधा जाके तू शिफ्ट हो जा वहाँ पे। बैगन के बात नको कर रहे, बैगन के बाल मशरा पूछे तो बैगन में मिला। अरे कम से कम किराया तो बसता तेरा। अरे दारे भाई तू जा, तेर से तो बच जाता था। चल निकल, दिमाग खराब कर रहा, मशवरे दे बोल तो बैगन में मिला रहा, वही जाके रह दोगे। दोस्त है दुश्मन है तुम लोग, क्या है रे? हेलो सॉरी जी, मेरे से गलती हो गई जी, मेरे को माफ कर दो जी। हमारी अम्मी की कसम है जी, मैं आपसे नहीं लड़ती हूँ, आपको नहीं मारती हूँ जी, कपड़े भी नहीं धुलाती हूँ। अरे बाजी देख के फोन करो जी, रॉन्ग नंबर है। बोझ बोल रहा, मेरी बीवी कैसा माफी मंग रही मेरे से बोल के। हेलो कहाँ है जी? आप जिसको फोन कर रहे हैं आपसे बैगन भी बात नहीं करना चाह रहे हैं। अगर आपको जरूरी भी शर्म है तो दोबारा फोन नको करो। ओ बेशरम आदमी, कहाँ तो भी मुंह काला कर रहे, सीधा घर को आओ। नहीं मारती हूँ जी, आओ आओ आओ, बोलो आओ। ओके कभी एक सेकंड बाहर जाने नहीं देती भाई, बोर मार रहा करते अंदर आओ। अर्ज किया है इरशाद, इरशाद मुझसे ना पूछा करो कि तुम मेरी क्या लगती हो। वावा वावा, मुझसे ना पूछा करो कि तुम मेरी क्या लगती हो, कोई नेकी है मेरी जिसकी तुम सिला लगती हो। बहुत रोमांटिक बातें कर रहे हैं आप। हाँ वैसे अगर आज आप मेरी तारीफ नहीं भी करते ना तो मैं आपसे लड़ने वाली नहीं थी। जान है जी तुम मेरी, नूरे नजर लगते जिगर है तुम। छोटन बड़ा के बात क्या सुन रहा रे तू, जा अंदर जा। कंटिन्यू कंटिन्यू। चांद का टुकड़ा है तू, मेरी आंखों का नूर है तू। अरे बाप रे, क्या गुलाबी लाडा सुधर रहे जी आपको। मौत दिख रहे तुम, कफन पिना के दफन कर देना दिल बोरा। ये तुम अपनी मोहब्बत इजहार कर रहे या जज्बात? मोहब्बत इजहार कर रहा हूँ बेगम, मोहब्बत। तुम मेरी नींदों में, मेरे ख्वाबों में, मेरे ख्यालों में, मेरे तसव्वुर में, मेरे जज्बात में और मेरे दिल में रहते। ये पागल आदमी, मैं तो घर में रहती हूँ। छोटन तेरे भाई जान पागल हो गए देख, इरागटा मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा के आजा। ए इंद्री औरत, पागल तो तुम हो गए, तुम्हारी ये भोलेपन से, तुम्हारी ये हरकतों के वजह से घर में फूल नहीं खिल रहा। अरे इसमें मेरी क्या गलती है, कुंडे में रोज पानी डाल रही हूँ उसमें फूल नहीं खिल रहा, तो उसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो मेरी है माँ लड्डू, गलती मेरी है जो मैं तुम्हारे से शादी करा। तो फिर भुगतो सजा। जी तुम सही सही बोलो, तुम्हारे मैं पसंद नहीं पसंद? मेरे को तुम्हारे से जुड़ी हुई हर चीज पसंद है। जैसे कि? जैसे कि तुम्हारी छोटी बहन। मजाक कर रहा हूँ जी। पागल थर के आदमी है जी तुम, असल में तुम्हारे से पूछना ही नहीं था। कहीं को पूछा?
अल्लाह, पानी पूरी होती, भेल पूरी होती, मामू पूरी होती, मगर मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी नहीं होती। और क्या है वो आपकी ख्वाहिश बेगम? तुम्हारे से छुटकारा। अरे गुस्से में आ गए क्या बेगम? व्हाट इज दिस? मजाक भी नहीं करना। तुम लोग तो हो गया तो मैं बहा लाऊं। अरे शुरू होने से पहले खत्म हो गया। अरे भैया मैं मामू तब बन तू? तेरी बहन को पूछ, तेरे सुस्त भाई जान से पूछ। भाईदान बोल बताती, मैं मामू तक बन तू? बोलो ना भाईदान प्लीज। तू पहले इंसान बन रहे, मामू बाद में। अजी बादी तुम मिले तदे भाई ने तो तेले भाई ने। ऐसा गाय को पूछ रहा माँ छोटन तू? अले उन्हों मेरी बेदती तले तो तुम थाली बैठते तुलने तुझ भी बोल लेते हैं तू तलीता है तुम्हारा ये। मैं आजकल उनको लाइट ले ली रे। क्या क्या बोले? हाँ तुम मेरे को लाइट लिए? तुम्हारी इतनी हिम्मत के तुम मेरे को लाइट लेते? जी तुम क्या पॉपकॉर्न की कढ़ाई में पैदा हुए थे? कहीं को हर छोटी छोटी बात में से उछलते रहते, इस वास्ते पूछ रही हूँ। रजाक भाई अंदर रे, बाहर नहीं आना। तोतले हसरा भी तोतले के जैसा। रजाक भाई अरे कहाँ तो भी यार, अरे सबर करना यार, दम पे दम आवाज आ दिया तो आदमी गुस्तो भी करते रहता। हाँ कहा वाव कही को है? अरे कार ले रहा यार। दिखाने आया तुम्हार को? अरे मेरे को क्या दिखाते यारो, लिख जाके अम्मा बाबा को दिखाओ, उनको पसंद आई तो लियो। अरे यारो उन लोगों का लाइट है यारो, मसला मालूम है ना तुम्हार को? अच्छा धान दो क्या है, कितने में बोल रहा? अरे 260,000 रुपये बोल रहा। 2010 की मॉडल है, कहते इंजन एकदम खनखन है, खाली रबिंग पॉलिशिंग करना है, समझे ना? आओ फिर खैर। अरे यारो मगर तुम कई को वेस्ट कर रहे यारो, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक कार है ना? अरे यारो कार है यारो, कपड़े बदले ऐसा कार बदलना समझा ना। हाँ। अपने बस्ती में गया है, रोब है अच्छा, लोग आ गए देखते ही जाते, सलाम अलैकुम रियाज भाई, सलाम अलैकुम रियाज भाई बोलना। ऐसा यारो मसला। अरे यारो पैसे वेस्ट कर रहे यारो तुम। तुम्हारे अम्मा बाबा की ख्वाहिश है ना उमरा करने की, कम से कम वो तो करा, सवाब मिलता यारो। अरे यारो उन लोगों की ख्वाहिशा बहुत है यारो, वो देख लेते बड़े तो अपने ख्वाहिशा कौन पूरे करते। अरे क्या हुआ रे भाई, कहीं को मारा? फिर से बोल। अरे वो उन लोगों के ख्वाहिशें देख लेते बैठे तो अपने ख्वाहिशें कौन पूरे करते। फिर से बोल। जो माँ बाप अपने औलाद के खातिर अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते, तुम के वास्ते एक छोटी सी ख्वाहिश कुर्बान नहीं कर सकता? जो माँ बाप तेरी खुशी की खातिर उनकी सारे खुशियों को कुर्बान कर दी, तू एक छोटी सी खुशी कुर्बान नहीं कर सकता? माँ बाप राजी तो अल्लाह राजी। अरे तू उनकी खुशी के खातिर ये कार कुर्बान कर दे रहे, अगर उनकी दुआ लगी ना, ऐसे 10 कार तेरे गली में खड़े हुए रहते। सही बोला बाप तू, 2 साल से अम्मा बोल रहे मेरे को जब तक मैं जिंदा हूँ उमरा कर लेती हूँ बोल के, मैं इस लाइट ले लूँ था बाप, तू मेरी आँखा खोल दिया बाप, उन लोगों को उमरा भिजा तो मैं हूँ। देख रहे भाई, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का सबसे बड़ा और पहला दरवाज़ा है। कुरान में अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अपने वालिदैन को उफ तक ना कहो, उनके साथ रहम व शफ़क़त वाला मामला करो जैसा कि उन्होंने तुम्हारे साथ किया था जब तुम छोटे थे। मगर तू तो माँ बाप को उलाइट ले लिया, उनकी अहमियत ही ख़त्म कर दिया, माँ बाप की ख्वाहिश की कोई अहमियत ही नहीं रखा। अरे सही बोला बाप, तो बैगन की गाड़ी, बैगन गाड़ी नहीं ले तुम्हें, वो पैसों से अम्मी अब्बा को उमरा कराया। ये कराना बात ठीक है, लेके जा, कुछ भी मसला रहा तो मेरे से पूछ, ठीक है? चल तो। अरे अरे ठहर रे भाई, इतना अच्छा मशवरा दिया, कौन से ट्रैवल्स को जाना वो तो नहीं बोला तू? सुप्रीम एयर ट्रैवल्स, महीने में 3 से 4 उमरा ग्रुप जाते हैं इनके, तू भी जा सकता। पट्टे सर्विस तो अच्छी रहती है? बहुत अच्छी सर्विस है लोगों की, एक आलिम साहब हमेशा अपने साथ रहते ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहा तो आप उनसे पूछ ले सकते, और उनकी टीम 24 घंटे आपके साथ रहती, आपकी खिदमत करती, आपको किसी भी तरह की परेशानी होने नहीं देती। और क्या है, सुप्रीम एयर ट्रैवल वाले बड़े बुजुर्गों को माइंड में रख के
हरम से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे होटल्स बुक करते ताकि बड़े बुजुर्गों को चलने फिरने में तकलीफ नहीं होना। बल्कि शहर के बाहर निकले तो सबसे बड़ा मसला रहता खाने पीने का, तो सुप्रीम एयर ट्रायल्स वाले आपको टेस्टी एंड हेल्दी हैदराबादी फूड्स प्रोवाइड करते ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे, तो आप अच्छे से उम्रा कर सकना। बल्कि टी स्नैक्स प्रोवाइड करते, लॉन्ड्री प्रोवाइड करते, सीनियर सिटीजन की एक्स्ट्रा केयर करते, रियाजुल जन्ना की जियारत कराते। सुप्रीम एयर ट्रैवल एक भरोसेमंद ट्रैवल है, आप उनके साथ उम्रा प्लान कर सकते। अच्छा, अरे पठे चार्जेस क्या रहेंगे? अरे रीजनेबल एंड अफोर्डेबल चार्जेस हैं। हाँ, आप जाके वहाँ पे उनको मेरा नाम बोलो, भाई रजाक भाई भेजिए बोल के, तो सुप्रीम एयर ट्रैवल के जो ओनर है तैयब भाई आपको इंशाल्लाह स्पेशल डिस्काउंट दे देंगे। अरे अच्छा, अच्छी बात है। अरे वो एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दो यार, वो आपको डिस्क्रिप्शन पे और स्क्रीन पे दिख जाता। ठीक है ना? ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अजी बोलो ना दी, बादी बादी बोलो ना दी, प्लीज बोलो ना। अरे मेरे को नहीं मालूम है छोटे, आदि तेरे भाईजान आए उनको पूछ जा। आदि भाईजान, एक बात बोलो। क्या रे? तोते बतोते दादा भले लो दो अतल लेती ना। हाँ, बड़े लोगों को चक्कर रहती है, उनको सब मालूम रहता। टेलीफोन तोन बनाए मेल तो बोलो। टेलीफोन ग्राम मेल बनाया रे उत्ता बाप तय तूने बनाया, उन्हें तो बला था ना। अरे उन्हें भी तोतला था रे, इसके वास्ते नहीं बनाया। तोते उंगली दो तुम्हारे, वो तोते उंगली दो। ततीफ कट्टी कट्टी तक बटे जा रहे भैया। ततीफ तो ततीफ, ला मिला पैता मिले दर में आमता दाल, तेले दर में दूता दाल, में तू मिले दर में आमता। क्या तुम लोग टॉम एंड जेरी के जैसा लड़ते रहते साले बहु ने? हाँ अच्छा जी, हमारे मैरिज एनिवर्सरी का गिफ्ट किधर है? हम लोग का कैंडल लाइट डिनर पे कब जा रहे, किधर जा रहे? अरे हौली और तुम्हारे को समझ में नहीं आया अभी तक? क्या एपिसोड 1 से फिर आ रहा हूँ मैं तुम्हारे को, इसका मतलब अपन कहीं भी नहीं जाने वाले हैं? क्या उजाड़ आदमी है जी तुम, तुम्हारे से शादी करके खाली पछता रही हूँ मैं। सेम ही है, मैं भी तुम्हारे से शादी करके पछता रहा हूँ। शादी से पहले मेरे चेहरे पे एक नूर था, एक अट्रैक्शन था। चुप बैठो जी, चुप बैठो। शादी से पहले फोटोज देखी सो हूँ तुम्हारी, तब भी पिचके में नींबू की जैसी सूरत है तुम्हारी। ओ हेलो, बैगन के बात नको करो बेगम, तुम कौन से अच्छे हैं जी? मिस्टर हस्बैंड, शादी से पहले पेप्सी की बोतल की जैसे स्लिम ट्रिम थी मैं, अभी भी वैसी छे तुम। वो कैसा? शादी से पहले तुम रेगुलर बॉटल के जैसे थे, अब जंबो बॉटल के जैसे है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़कम। तो गाइस, आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगा, इमोशनल भी दिखाऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आपके दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ ये वीडियो शेयर करो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके फेसबुक के पेजेस पे, आपके सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे, व्हाट्सएप की स्टेटस पे, सब जगह वीडियो डाल के वायरल कर दो। और आप लोग जो है हमारी बात रखे, इसलिए हमको बहुत खुशी भी और बहुत अच्छा भी दिखा, बिकॉज हमारे सब्सक्राइबर्स जो बड़े, हम देख रहे हैं कि आप हमारी बात मान रहे हो और आप हमारे कंटेंट को वायरल कर रहे हो और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ हुई है, जबरदस्त ग्रोथ हुई। इसके लिए थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग लाइक दिस। अभी जो है आपसे एक रिक्वेस्ट है, बस कम से कम 50,000 लाइक्स दे दो आप, बस काफी है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी 1 मिलियन हो जाएंगे। और अगर आप लोगों को हज उमरा वगैरह जाना है तो आप सुप्रीम ट्रैवल को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगले हफ्ते।